स्कूल के ज़माने में मेरी नानी जो है ना वो चाहती थी कि मैं पायलट मोहम्मद अनवर चिश् साबरी मेरे वाले साहब का नाम है जो साबरी के साथ तबला प्ले करते थे मैं एक रुपये की जबकि की बात कर रहा हूँ जब पचास हजार का मकान आ आ जारी जारी तुआ आ तुआ तुआ जा। साबरी और मैं हम बचपन से एक स्कूल में पढ़ते थे चिल्ड्रेन मॉडल अकेडमी आजकल के जो नाटका है वो उनका जो एम है ना वो जो रहे है वो बड़े अजीब है वो कहीं से भी शुरू रहते हैं तो इसलिए वो भी कहीं से शुरू रहते हैं नाथ का है खुर्शीद अहमद उसका पूरी जिंदगी में वो कभी अगर बेसुरा हुआ हो तो बता दे हैं। हमारे ने में है, 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 है? पंजाब में हुई, हुई बूढ़ी आज तक मैंने कोई कलाम सही नहीं पढ़ा मुझे कुछ ना कुछ उस पर कमी महसूस होती है बस ये फिक्र उर्दू बोलने वाले के सामने ज्यादा इंग्लिश बोलना शुरू कर आप वो आपके रूप में आ जाएगा अगर समझदार नहीं है तो मेरे जैसा है तो मैं उसको मकसू बा होगा मशहूर افضل صابري ها और गैर मारूफ अफजल साबरी की जिंदगी में कितना फर्क है साबरी जिस कलाम को पढ़ते हुए जिनका विशाल हुआ है वो कलाम कवाली का नहीं है वो कवाली में नहीं पढ़ा जाता था ठीक है ना तो वो कलाम हम मस्जिद में पढ़ते थे दिलीप कुमार साहब की वाइफ जो है सायरा बानो गुलाम साबरी हारमोनियम पे कुछ सुना रहे हैं पापा जी मेरे तबला बजा रहे बिलाल मैं तस्वीर दूंगा इस प्रोडक्शन को उनकी ना तो सायरा बानो मेरे वाले साहब के लिए चाय पेश कर देगी अरे तुम लोग गाने की तरह पढ़ते हो अरे भाई हम सो रुपये पढ़ रहे हैं तुम्हें परेशानी हो रही है तुम भी सीखो जब हम आग खुली ना तो लिया में गवर्नर साहब आते

मैं फिर को कोशिश करता हूँ की उस बार में कुछ पेश कर दूँ तो पैसा भी बहुत जरूरी चीज है इसलिए मैं बहुत सारे लेता हूँ पहले ले लेता हूँ मैं फिर जेब की तरफ देखूंगी टीवी ने मुझे बुलाया अमीन नेमन साहब जीएम साहब थे उन्होंने कहा जितने भी आर्टिस्ट थे जितने भी उस वक्त के लोग थे प्रवेग मुशरफ का दौर आया उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान की जो चेहरा बन रहा है वो बन रहा है दहशत गर्द उस टाइम पे दहशत गर्दी बहुत ज्यादा थी जरा आपसे पहले की बात बता रहा हूँ ना तो आप अफजल भाई हमने सबसे ना ये सवाल किया है इसका हल हाँ क्या है जी सिवाय सिवाय के कोई और रास्ता नहीं है आपको आप ख्वाजा की बात कर हमें तो अभी चांद पे जाना पड़ेगा चांद पे जाएंगे इनशाला अब लोग चांद पे पहुंच गए अब हम क्यों बताएं कि हमने क्या तैयारी करी तैयारी तो हमने भी की हुई बात मजाक की जरूर है, है। लेकिन जो लोग साउंड पे डिपेंड कर रहे हैं ना वो है। बहुत वक्त के नाथ कहां है तो सब तो सब कुछ। कुछ। मैं, मैं समझो कुछ तो सब कुछ मैं ही मैं हूँ। मैं समझो कुछ तो सब हुँ। कुछ हुँ। मैं ही मैं हूँ। अगर समझो खुदा है मेरे नहीं हां हां और इंसान अपने आप को खुदा समझ रहा है वो मालिक समझ रहा है सिर्फ इस्तेमाल के लिए वक्त है हमारे पास जाना सबको यही हकीकत है Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh मैं हूँ मोहम्मद अली सवाल खाना प्रोग्राम आप देख रहे हैं पोडकास्ट स्टेशन आज हमारे इस पोडकास्ट स्टेशन के एपिसोड में जो शख्सियत तशरीफ लाई है कवाली की दुनिया से उनका ताल्लुक है और अगर मैं अगर इनसे कहूँ अगर आप लोगों से ये कहूँ कि ये बहुत बड़ी शख्सियत है कवाली के हवाले से कहते हैं नाम ही काफ़ी है और जब मैं ऑफ द कैमरा जो प्रोग्राम से पहले जब आपस में गुफ्तु कर रहे थे तो प्रोग्राम शुरू करने के जी नहीं चाह रहा था गुफ्तु इस पैरा में आगे बढ़ती चली जा रही थी फिर पता चला कि अभी तो प्रोग्राम भी करना है तो हमने कहा चले जो गुफ्तु हमारी हो चुकी सो हो चुकी आप इस गुफ्तु, गुफ्तु, गुफ्तु कैमरे के, के सामने और करते हैं हमारे साथ मौजूद मोहतरम जनाब अफजल साबरी साथना जरा बहुत ज्यादा आपने मुझे इज्जत से नवाजा है और इतना बड़ा इंटरव्यू दिया है आपने मैं तो बहुत छोटा सा एक नाकिस सा नाक साब हूँ ये तो मेरे ख्याल से आपका भी फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस पॉडकास्ट के लिए होगा कि हमें हमें यह ऑर्डर मिल रहा है कि आप हमारे पॉडकास्ट में आपने शीप लाए और मुझे मैं, मैं खुद भी आज कुछ बहुत कुछ सीखने वाला हूँ इसी नीयत से मैं बैठा हुआ कि मेरे सामने शख्सियत बैठी हुई है जो बहुत कुछ रूमोज भी जानती है आज हम थोड़ा सा नाजिन को भी बता देते हैं हम जहाँ कवाली के हवाले से बात करेंगे वहाँ पे क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सामने हैं जो नाद के शोबे में मैं आगे बढ़ना चाह रहा था नाजिन आज हम कुछ नाद के हवाले से भी टिप्स लेंगे क्योंकि इन कवाल जो होते हैं वो इतना अच्छा पढ़ रहे होते हैं ऊँचा पढ़ रहे होते हैं ये कभी नहीं कहते कि हमारा गला खराब है अक्सर ये ज्यादातर गला सही चल रहा ये तो ये कुछ आपसे हम टिप्स भी लेने वाले तो तो आपको बताना होगा तो बात को सबसे पहले आगाज करते हैं कुछ अपनी जिंदगी के बारे में बताइए जी मैं जिंदगी क्या है जी जो गुजर रही है बस यही सबसे हसीन लम्हा है आपके साथ बात हो रही है सबसे हसीन लम्हा ये है कि शुक्र अदा करें हम उसने हमें इतना हसीन काम होता फरमाया जो वो खुद करता है अपने हबीब की तारीफ सबसे बड़ा होश नसीबी मेरे लिए ये है तो कुछ कुछ भी बन सकता था स्कूल के ज़माने में मेरी नानी जो है ना वो चाहती थी कि मैं पायलट बनूँ अक्सर जब स्कूल जाती थी तो वो मेरे कान आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान में ये मुझे बता रही होती थी कि मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा बेटा पायलट बने मैं समझ में नहीं आता था भाई पायलट नानी मुझे क्यों कहती हैं ऐसा क्यों अक्सर और बेशतर मेरे वालिद साहब जो है ना वो टूर पे होते थे मोहम्मद अनवर चिश्ती साबरी मेरे वालिद साहब का नाम है जो साबरी ब्रदर्स के साथ तबला प्ले करते थे तो सबसे पहले मैं उस ज़िंदगी की बात करूँगा जिस जिसकी वजह से मुझे ये ताजगी और ये ये बरकतें और ये कैफियत अता हुई वो मेरे उस्ताद मेरे वालिद साहब उस्ताद मोहम्मद अनवर खान साहब जिन्होंने कवाली को एक नया रंग अता फरमाया उसमें बहुत बड़ा हाथ है मेरे उस्ताद मकबूल अहमद साबरी साहब उनके बड़े भाई गुलाम साबरी ये है साबरी ब्रदर्स की टीम सेवेंटीज़ में गुलाम साबरी ने पाकिस्तान बनने के बाद जो मेहनत की अपने भाई को तैयार किया और भाई भी ऐसा जो आसमानों पे जिसका चमकना ऐसा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम को सरबुलंद किया कवाली के हवाले से साउर कौन नहीं जानता तो मेरे वाले साहब ने तबले के हवाले से कवाली को एक नया एक जो कवाली सिक्वेस नहीं होती थी पहले कवाली होती थी कि कलाम जो रिवायती कलाम है वो पढ़ रहे हैं उसकी तकरार हो रही है जैसे महफिल में किसी बुजुर्ग को कोई शेयर अच्छा लगा वो खड़े हुए ये नजर जो देते ना लोग वो कलाम

जब का एक रुपये की बात कर रहा हूं बहुत बड़ी हाँ हाँ, हाँ वो रुपया बहुत बड़ा था तो उस जिंदगी की जो सारी चीजें हैं वो अम्मा मुझे नानी जो है मैं अम्मा कहते थे उनको वो मुझे पायलट बना रही है मेरे सामने यही हीरो है मैं मैं ऐसा हीरो बनना चाहता हूँ मैं ऐसा तबला बजाना चाहता हूँ मैं ऐसे तान लगाना चाहता हूं मैं ऐसे अल्फाजों को साहेबल जमाल या बशर जैसे कहा गम साबरी ने जिस तरह उन्होंने कलम तरा तो आये नहीं। की नात को इस तरह उन्होंने पढ़ा उसके ऊपर ने किया मेरे वाली ने अरबी अंदाज में तबला तरंग बजाई तो पूरी दुनिया में लोग उस कवाली की सैर से आज तक निकल नहीं पा रहे ऐसा कुछ करना चाहता हूँ मैं लेकिन मेरी नानी मेरे जहन में पाले तो मेरी अम्मी से कहा मेरी नानी हमेशा पाले उनका मकसद है तो, उह। <laughs> तो सब कि वो वाह कि उन्हें आसमानों पे जाए तो नहीं कुछ, कुछ इसको थोड़ा सा आपको इसका दिया है कि वो दला दला मुझे बनाया है नात पढ़ने वाला मनखबत पढ़ने वाला मोला कायनात मौला अली मुश्किल पेशा की शान बयान करने वाला सद के गुण गाने वाला हजर माम आसन का दस्ता पेश करने वाला करबला का जिक्र करने वाला ख्वाजा का जिक्र करने वाला गौस का जिक्र करने वाला कलंदर की बारगाह में जाने वाला बत्तू बस ऐसा ही और रहता हूँ उसमें तो ये आप बताइए कि थोड़ा सा जो आपने बचपन के बताया नानी ने तो आपको वो जो है बनाया। आप, नानी भी थी वो पायलट बना दिया आपने पायलट आप बन भी गए मकसद था बाहिर कुछ अल्फ होते हैं उसके बड़े डीपली मानी भी होते हैं वही मानी के तहत आपकी नानी आपसे नाथ खानी नाथ खानी के बारे से नाथ पढ़ता तो में तो यह होता है कि आप इलाके में अगर मस्जिद है तो आप वहाँ पे माइक के सामने खड़े हो गए या घर में किसी ने खड़ा हो गया तो चलो बेटा नाथ सुनाओ जैसे ही होश संभाला जब भी अल्फाज मुखलना शुरू हुए तो अगर नाथ का माहौल है तो वो नात पढ़ना शुरू कर देता है जबकि कवाली पढ़ी जाती है उसके अंदर तो टेम्पो भी होता है तो उसके अंदर सुर भी होता है हम तो हम लगा रहे होते हैं पता भी नहीं है कि कौन से स्केल में पढ़ तो आप जो तो कवाली के जितने भी लोग इस शोबे से वाबस्ते हैं वो कब से अच्छा आप मुझे तो ये चाहते हैं कि भाई नात खां जो है जो बच्चे नात पढ़ते हैं तो उनको तो प्लेटफॉर्म जो मिलता है वो सबसे अहम प्लेटफॉर्म जो है वो मस्जिद है मस्जिद है या घर में किसी को में से होता है तो एक माहौल बन जाता है आप ये कहना चाहिए कवाल कब से शुरू करता है काम जब कवाल जो है ना जी कब से शुरू करता है एक बहुत अहम चीज आपने सुनी होगी भाई ये तो खानदानी लोग हैं हर काम का एक कोई प्रोफेशनल होता है हर काम का एक करने वाला होता है जिसके आ, दादा परदादा उस काम को करते हैं ना तो उसमें सबसे अहम चीज होती है माँ अब मिसाल के तौर पे आपकी वालदा ने आपको बचपन में जिस तरह थपक के सुलाया है वो लोरी वो चीज आपको याद है अब आपकी वालदा ने आपको कितने सुनाया है आप उतने में उसी अंदाजे पढ़ेंगे अच्छा मेरी अम्मा क्या कहती थी मेरी नानी मेरी वालदा अच्छा वो सुला रही है ना हमारे यहाँ जो जो खानदानी औरतें हैं माशाला उनका सुर बड़ा पक्का होता है मेरे मन तो में में ले जा मुझे आज भी याद है तो वो जो सुर कायम मेरी माँ का मेरे कान में हुआ है उसने मुझे सुर वाला कर दिया पहले तो मुझे सुर की पहचान देती है जिसे सुर की पहचान नहीं होती वो सुर में पढ़ नहीं सकता बार बार सुर भूलता है ठीक है ना असल प्लेटफॉर्म जो है वो आपकी माँ की गोद है अब मेरे वाले तबले के बहुत बड़े उस्ताद पूरे पाकिस्तान में उनके शागिरद मेरे मामू बहुत अच्छे कवाल दूसरे मामू वो बहुत अच्छे कवाल उस्ताद को देखो तो वो मकबूल साबरी तो मेरे पास जो जो आवाजें मिल रही थी बचपन से उन तक पहुंचने भी बहुत मुश्किल था आप यकीन करें हम जब साबरी और मैं हम बचपन से एक स्कूल में पढ़ते थे चिल्ड्रन मॉडल अकेडमी स्कूल तो वहां हम नात में भी और और चौदह अगस्त पे जो पार्टिसिपेटी तो, नगमात जो होते थे उसमें पार्टिसिपेट करते थे तो अब वो क्या करते थे हमें अब नाथ पढ़ते थे ना जब अब तो हम फंस जाते थे कि हम जब नाथ पढ़ते थे तो हमारी टांग हिलती थी हम जो भी कुछ पढ़ते हमारे जिम्मे में होता है टेम्पो में टेम्पो में होता है अब मिस करेंगे नाद ये नाथ दो ये जब दोनों बच्चा ना हम जो तो इनकी टांग टांगी है अच्छा नहीं लगेगा नाथ पढ़ते में आपको उसको बैरा कर देते हैं लेकिन टेम्पो इम्पोर्टेंट है टेम्पो टेम्पो जरूरी है टेम्पो इंसान के अंदर है साख आए वो भी तो आपको कितने देर तक सात अभी आप गुनगुना रहे थे अब दो-तीन दफा आपने अपने, अपने सुर चेक किया। दो तीन दफा आपने सुर को अलग-अलग से चेक किया। वही ये काम नहीं हुआ। आपने दो दफा गुण दिलाया। दोनों अलग, अलग स्केल थे। और मसला ये है कि साथ एक सादे सब सदे ये हमारे बुजुर्गों की तालीम का पहली लाइन कि एक सही कर लो। दूसरा भी बिल्कुल वैसा ही है बस थोड़ा सा फर्क होता है। फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ही करनी है आपको। एक सुर सा, सा दूसरे की भी इतनी है आप एक सा पे अपनी आवाज मिलाओ उसके बाद आपको तो थोड़ा सा थोड़ा सा चेंज करेंगे आपको ताकत उतनी ही लगानी है वो, वो लगाने कितनी देर है आपको आप सा कितने कायम करनी है आप वो में होगा ये। एक दो तीन चार एक अब ये इस तरह बढ़ता जाएगा वो। चार को हम आठ करेंगे आज को हम सोलह करेंगे सोलह तो अगर अगर, अगर हमारे के लिए आप ले जाएंगे कुछ गुनगुना के भाई मैं नाजरीन की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ सबसे बड़ा तो सबसे पहले तो वो एक इंसान चुन ले कि मुझे इसके जैसा कुछ करना है उससे एक्सप्रेशन लेनी है उसको मतबर जानना है उसकी इज्जत करना है अल्लाह बरकत देगा आप उसको अल्लाह आपको उससे बेहतर भी कर सकता है वो। आप उस तक पहुंचने की कोशिश करें उसको अपने अंदर जमाने की कोशिश वो जो और मुरीद का ताल्लुक है इसी तरह हर काम में एक लगन चाहिए कि भाई मुझे जो ना ऐसा बनना है सर मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी शिक्षक वो कैरम और डब्बू के बड़े दिल ज्यादा थे वो देखते थे खेलते थे अब मुझे कह लेंगे हाँ भाई दिल्ली जी कह यार वो एमन के स्टाइल तुझे याद है मैंने कहा जी नहीं याद है एमन के आरोप उम्र भी याद है मैंने हाँ याद है तो कहे शुरू हो जाए अब वो रात को 12 बजे खड़े हुए कैरम खेलते हुए आज पिया बिन कल ना परत तारे पिया बिन गिन, मुझे डब्बू पे शुरू करवाई कहता रहे हमने खड़ा हुआ शर्मिंग शर्म भी आ रही कि सब लोग देख रहे हैं बेसुरा हो जाऊँ तो वो उस्ताद ऐसे थे कि उन्होंने दिल से सोच लिया था कि इसको ये आज देखे है वो तो उसकी बरकत अल्लाह ताला ने दी फिर वो मैं घर जाके उसकी आरोही उमरोही करी अपने पापा जी को बताया पापा कहने तेरे उस्ताद जो है वो बहुत मसरूफ आदमी है वो तुझे बैठ के नहीं सिखा सकते हैं तुझे एक एक कदम नहीं सी चला सकते उसने टिप दे दिया आपको वो उनके दोस्त से आपको रास्ता बता दिया अब इसको मान वो इसको एक हजार दफा कहो कहते रहो रे ग रे मतलब रुक रहा है आपको रुक रहा है बार बार कहते रहना है बार बार कहते रहना है कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी वो कभी तो कुछ करीब जाऊंगा कवाली में तो आपको एक सपोर्ट होती है आपको सुरमंडल कहते हैं, या सुर वो आपको मिल जाता है कायम सुर हो जाता है इसके बाद आप पढ़ना शुरू कर देते हैं नाथ कौन को ये जब जाता है तो उसको जी हमें बड़ी परेशानी होती है जब हम बगैर सुर सांस के छूते शुरू करते हैं ना हमें आदत है एक फील आए तो उसके साथ हम लिपट के चलते हैं उस हम लिपट लिपट के चलते हैं ऐसे ही है। आपका जो तरीका कार है जो आजकल के जो नाटका हैं वो उनका जो एम है ना वो जो सुन रहे वो बड़े अजीब है वो कहीं से भी शुरू हो जाते हैं तो इसलिए वो भी कहीं से शुरू हो जाते हैं अब एक नाटका है खुर्शीद अहमद उसका पूरी जिंदगी में वो कभी अगर बेसुरा हुआ हो तो बता दें आप या उसका स्केल चेंज हुआ तो उसने सात कायम की है उसने सात सीखी है जो बच्चा खुर्शीद अहमद सुनेगा वो बेसुरा नहीं होगा फिर वो किसी भी सिर्फ में किसी भी तरह नाथ पड़े। समझ में आपको जिसको आपने चुनना क्या है आपको आपको बने से आप किसी और नाथा के अंदाज में पढ़े बीट में पढ़े बीट के अलावा पढ़े तो पीठ क्या है पीठ तो बहुत जरूरी है अगर आप अरसा छोड़ के पढ़ रहे हैं तो उसमें भी पीठ है एक होता सम एक तो अनप्लग कहते हैं जैसे हम लोग ना कि भाई हम टेम्पो में नहीं पढ़ रहे टेम्पो छोड़ के पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको सीखना है आप टेम्पो सीखोगे तो भी खाली करोगे ना दात में इनको पसंद करता खुशी दा मतलब सईद आशमी साहब को और, और वो तो हमारे पड़ोसी भी थे हमारे वाले साहब के दोस्त भी थे mm. और मुझे बचपन से एक जो आवाज़ है ना लगता तो है एक इलाहामी कोई जिसे शायद वो तो हमारे बचपन से पीटीवी से सुन रहे हैं कारी वही जफर काजमी साहब को उनको कि उनको ऐसा लगता है कि भाई भाई यही कुरान सुनाने वाला है यही नाच सुनाने वाला है वो एक बचपन की आवाज़ है वो वो आवाज़ है कि जैसे लगता है कि जैसे अब ये ये आवाज जो है ना वो मक्का मदीने की ज्यारत कराने वाली आवाज है जैसे जय ना हो मैं हम उनकी उनकी तरह आवाज बढ़ाने की को कोशिश करते थे असल में हम भी जो शुरू हुए जो हमारा एक तरह से जो जो एक तो होता है ना कॉन्फिडेंस आना वो आया हमारे हमारी मस्जिद से हमारी मस्जिद जो है वो हमारा सबसे अहम सुतून है हम रब रब आज ट्रांसमिशन होती है रमज़ान की हम लोग जो है मस्जिद में सैरी जगाते थे वो बचपन में हम जो साबरी जिस कलाम को पढ़ते हुए जिनका विशाल हुआ है वो कलाम कवाली का नहीं है वो कवाली में वो नहीं पढ़ा जाता था ठीक है ना तो वो कलाम हम मस्जिद में पढ़ते थे वो वो कलाम मस्जिद में उसकी रोज़ डेली की रियाज थी रमज़ान के अंदर उसको वो या तो शहरी में शहरी से पहले हम लोग लाइन लगा के बच्चे तो बैठ लंबा -लंबा है। जाते हैं परेशान हमसे यार इनको तो कलाम भी याद है इनकी आवाज़ें भी अच्छी है मोजन साहब कभी माइक बंद कर देते हमारा कभी हमारे कह रहे तुम लोग गाने की तरह पढ़ते हो अरे भाई हम सोनपे पढ़ रहे हैं परेशान परेशानी हो रही है तुम भी सीखो

जुमेगी नमाज तो गुलाबे साहबे पे खड़े अब जैसे अंदर आए ना तो बच्चों ने बोला अब्बा खड़े रोड पे हम सब बच्चे भाग गए <laughs> और भाई क्या हो गया? वो सही नहीं पड़ा था तो कहेंगे पहले सीखो उन्होंने क्या मकसद यही था तो उससे हमें बहुत उस दिन के बाद हम कोशिश ये करेगी भाई जब तक पे हम चीज पक्की नहीं करेंगे ना हम ऑडियंस के सामने मतलब हमें परफॉर्म नहीं करना है हमें ये समझ में आ गई बात कि ये सादे सब तो हमें सही करके जाना है अच्छा अगर मैं ये पूछू कि अगर जो आपके पास इस वक्त वही नाक की बात करे या कवाली के बात के रहे, की बात करे कलाब की बात आप जी जी एक हमिंग आ रही है जो जिसके पास साज ना हो तो इस हमिंग से अपना सो बना दे मेरे उस्ताद जो थे उसब जो मुझे हारमोनिंग सिखाते थे तो मैंने उनको पूछा सर आपका हारमोनियम कहाँ है यदि मुझे जरूरत नहीं मैं इससे सहायक साथ, साथ कायम कर लेता हूँ कोई भी राग बन सकता है दे दे ये हारमोनियम है मेरा जब बंदा कुछ करना चाहे वेन देर जमीन ऑलवेज देर जब वे जब इंसान को कुछ चाहिए होता तो कहीं नहीं कहता रास्ता में मिल ही जाता है कितनी आ, आप समझ रहे हैं कि प्रैक्टिस होनी चाहिए मिसाल के तौर तो पर मैंने कोई नया कलाम सुना है और थोड़ा सा मुश्किल भी है तो आप क्या समझते दो चार दफा पढ़ना काफी हो जाएगा आज का? तक मैंने कोई कलाम सही नहीं पढ़ा मुझे कुछ ना कुछ उस पर कमी महसूस होती है बस ये फिक्र चाहिए तो बहुत ज्यादा भी तो फिक्र करेगा तो नहीं मैं दाश्ता रहा होता नहीं फिक्र फिकर अच्छी चीज है वो आपको बोतात रखती है आपको आपके बारे में बताती रहती है कि आप कमजोर है वो आपकी के बारे में बताती रहती है आपको पहचानने का मौका देती रहती है फिकर आप कमजोर हैं, आप सही नहीं कर रहे हैं आप नहीं। नहीं। हमें हमें फिक्र रखनी चाहिए और सीखने की जो कोशिश है उसको तर्क नहीं करना चाहिए यही मकसद है चलते रहना चाहिए लेकिन सीखना चाहिए अच्छा ये भी बताइएगा कि आप इस चीज का तो लिहाज जो है वो कवाल जरूर रखते होंगे ये मेरा एक अंदाजा है कि अगर इनके इनकी नशित है रात को आठ बजे तो कलाम के में इंत रात के आठ बजे में क्या पढ़ रहे हैं कौन से स्केल में पढ़ रहे हैं उसका इंतख्या करेंगे और अगर पैर आखिरी है तो उसके लिए कुछ और ये इस तरह की यदि आपको अब बहुत खवाली आसान हो गई है पहले होती थी मिसाल के तौर पर एक खानक ने बुलाई चार चौकियां चौकी कहते हैं कवाल पार्टी के लोग चार लोग मिलके पढ़े चौकी तो वे चार चौकी आई हुई है तो पहले हर चौकी जो थी ना वो बड़े उस्ताद होती थी तो जब वो अपना स्टार्ट करती थी तो वो राग की अपने हिसाब से शुरू करती थी जब इख्तदान कर रही है तो वो ऐसा राग या ऐसी चीज को करके छोड़ती थी कि सामने वाले को या तो स्केल बढ़ा लिया करती थी आखिरी गालन पे मिसाले तौर पे हम दूसरे काले से तीसरे काले से पूरी रात हमने एक घंटा पढ़ा आखिरी स्केल हमने चौथा काला पांचवा काला कर दिया पिच बढ़ा ली और बहुत ताकत से एंडिंग पे चले गए जो नया आदमी हाँ आएगा तो उसको यकीनन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी टेक्निकल तो हाँ। पॉइंट होता था ये पहले करते थे और करने भी चाहिए इससे वर्दिश होती थी अब तो माइक इतना अच्छा हो चुका है आप कोई भी स्केल जो आपने जिस पर रियाज किया है आपको उस, उस पर महारत है आप उसको चीज को कर लोगे पहले मुश्किलें होती थी राग का सर छोड़ जाना ऐसा अचोब राग या इस तरह से उसको फैलावा करना उसका उसकी रागदारी करना जरूरत नहीं उस शक्ल में लेकिन उसको चेंज कर दिया तो पहले होता था ऐसा अब ऐसा है नहीं लेकिन आप लोगों को जो जो नातखा हजरात है वो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कोई अच्छा नातखा है अच्छी आवाज वाला है मिसाल के तौर पर जो पंजाब के नाथुआ या कराची आते हैं या कराची से वहां जाते हैं तो यकीन उनको स्केल का बड़ा फर्क पड़ता है उनका आवाज बड़ा जवान आवाज होता है जवान आवाज है हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि जो गायकी है वो पैदा हुई है हिंदुस्तान ठीक है पंजाब में हुई जवान और सिंध में हुई है, है बूढ़ी सिंध वाले जो है जो यहाँ की गायकी उसमें आवाज हिलती है एम पंजाब आवाज लगाता तेज सुर लगाता है और स्केल भी बढ़ा लेता है उनसे नीचे नहीं पढ़ा जाता और जो हमारे उर्दू स्पीकिंग जो जिनके आबो आजाद हिंदुस्तान से आए तो वो रागदारी नीचे से करते हैं वो फैलावा नीचे से करते हैं वो मतलब जो सुर वो ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम वो नीचे इस्तेमाल कर हम टेक्निकल सुर वही लग रहा है

और उनको पसंद भी किया जाता है इनका बहुत शुक्रिया, नहीं। शुक्रिया के नहीं। नहीं। के पजीरा भी देते हैं हिम्मत अफजाई भी करते हैं लेकिन हमने बहुत कम देखा है कि मैं भी आए मूंगा मुझे दुरुस्त करने पंजाब के नाथ तो उसी तरह क्योंकि तो तो उनकी स्केल बहुत ऊपर आपने कहा जवान वाले जब बात की है ऐसा तो, यहाँ पर इतना इतना शायद नहीं सुना जाता ये आप समझते समातों के हवाले से कुछ फर्क है देखिए जी यहाँ के लोग सुने लाइट यहाँ के लोग अल्फाजों को सुनते ज़्यादा जो शायरी है उसकी कैफियत को सुनते हैं जो भी हो कोई भी तर्ज बनाए कोई भी कवाल कोई भी तर्ज बनाए जो अपने अल्फाज चबा जाए वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा ये जा मैंने बड़े पॉइंट के बाद आपको बता दी है वो गायकी पर ज्यादा ध्यान देते हैं मेरे वाले साहब ने मुझे मना किया था कि कलाम सुनाते वक्त आपको कलाम ही सुनाना है की जो है ना वो रियाज करने की चीज है घर में मतलब ही फैलावा करना है जितनी जरूरत है बताऊ जो सारे गामा पादानी सा जो है ना ये एबीसीडी है एबीसीडी इसको आप कहाँ करेंगे आप एबीसीडी लिखते हैं किसी कॉलेज में जाके आप अल्फाज बना के लिखते हैं ना वर्ड्स जाते हैं सारे भाई अल्फाज लिखने हैं और जो आपको मुझे रोक डालना हो तो मैं आपको एबीसीडी सुनाऊंगा खाली रोक पहनने के लिए होता है सरगम पलटा करना हाँ। बताना है कि मैं इतना मैंने इतना सीखा है या मुझे इतनी आती है इसे के तौर पर किसी उर्दू बोलने वाले के सामने ज्यादा इंग्लिश बोलना शुरू कर दे आप वो आपके रूप में आ जाएगा अगर समझदार नहीं है तो मेरे जैसा है तो मैं उसको मकस में बाघ में मकस को बाघ में जाने ना देना ना आपको खून परवाने का होगा तो वो यही सोचता रहेगा मकसद क्या चीजेंगे इसका मैं थोड़ी से बजाज मधी चाहूंगा समातों का फर्क है यहाँ पे बहुत मुलायम सुना जाता है और कराची वाले नाथ का आप देखे या खबार भी आपको पूरी दुनिया में भी नजर आ रहे होते हैं अब यहाँ क्या वजह है आप उसे सच सुनना चाहते हैं हाँ सच ही तो सुनने के लिए बैठे बहुत अच्छी महफिले हो रही है बहुत बड़ी बड़ी महफिलें हो रही है आप उसके अंदर सुनने के बाद डिसाइड नहीं करते कि आपने अच्छा कलाम पढ़ा है आप पहले से लोग बैठे होते उन्हें पता है सुनना है क्योंकि वो, वो यूट्यूब पे वो कलाम सुन के आया है उसकी फरमाइश करनी है और उनको वही सुनना है और उन नातवा से बेहतर जो इस महफिल को ऑर्गेनाइज करते हैं जो उनको बुला रहे होते हैं ना वो ऐसे आसीन हसीन शेर पढ़ रहे होते हैं उन पर लोग सुबह भी नहीं कहते वो उनको पूरा माहौल बना के देते हैं वो उनको रहे होते हैं इसलिए इसका मतलब साहब समाप्त नहीं है किरदार के विकारी हैं चेहरे के प्रोफाइल के प्रोफाइल ने इतनी बड़ी महफी करी है महफिल ये हो रही है अब ये तो बिल्कुल ये तो महफिल में से महफिल गायब हो गई है पूरे रात में से एक आता लम्हा आता है जब महफिल को कोशिश करता हूँ बारगा में कुछ पेश कर अब भाई भाई वो, वो वो सुना दे अरे मैंने कहा नया नया सुनो नया सुनो नया सुनने के बाद दाद दो तो ये ये भी तो होता है ना कि असल में शायरे महफिल इतना खर्चा करके आया होता है बता इतनी मैंने लोगों को बदबू किया है और उसके बाद जो है अगर हजरत का जो मूड है कुछ क्या कहते ना ऐसे स्केल में अच्छा, पढ़ेगा का शौक है तो फिर वो कहीं ऐसा कि सुनने वाले होते थे जो वो सुन रहे होते थे तो हम सब लोग वही सुन रहे होते हजरत ये सुन रहे तो हजरत की कैफियत को देख के हम भी कैफियत में होते थे अब जो है हम ऑडियंस को भी सुना रहे होते हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें कलाम और के आदाब दोनों को बड़ा अब अलग अलग मुर्शिद है एक ग्रुप आया वो अलग मुर्शिद है एक ग्रुप आया है वो अलग मुर्शिद है अब ये ज्यादा पैसे देता है इस मुर्शिद का तो मुझे अलाउंस भी करना पड़ेगा नाम भी लेना पड़ जाएगा मतलब मुझे बुलाएगा नहीं ये मुझे काटवा देगा अल्लाह ना करे मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा हो गया है हम इससे परेश करते मशहूर अफजल साबरी हां और गैर मारूफ अफजल साबरी की जिंदगी में कितना फर्क है देखिए जी हमारे साथ बहुत अल्लाह ताला ने हमें ऐसी जगह ऐसा स्टेज عطا فرمایا कि अमजद साबरी को अल्लाह ताला, ताला ने कितनी इज्जत दी है जी आज तक लोग इनको याद मैं आपके उसके दिल की बात बताता हूँ अल्लाह तला ने मुझे जो भी जितना भी नवाजा है हमने इतने बड़े दफ की साय में हम पैदा हुए और उनके इतना हमने नाम देखा है जब हम आग खोली ना तो लियाताबाद में गवर्नर साहब आते थे मिनिस्टर आते थे पूर्णा बैठे हैं अदीब रायपुरी साहब बैठे हैं ये तो लोग देखते देखो नसीब नहीं लोगों को वो शायर वो अदीब वो क्लासिकल ना, जीते जी वो दिन बुला। अरे ये तो के साथ ही थे हमारे चाय पी रहे खाने खा रहे इनकी भाई चाय बेटा इनके लिए ऐसे चांद देखे हमने हमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है हमने तो भाई देखा मैंने तो अभी वो रूज देखा ही नहीं है जो हमने अपने अब्बा के साथ देख लिया है या अपने वालिद के साथ देख लिया दिलीप कुमार साहब की वाइफ जो है सायरा बानो वो गुलाम फे साबरी हारमोनियम पे कुछ सुना रहे हैं बाबा जी मेरे तबला बजा रहे हैं मैं तस्वीर दूंगा इस प्रोडक्शन को उनकी ना तो सायरा बानो मेरे वाले साहब के लिए चाय पेश कर दीजिए तो आप ये बताएं कि अभी हमें रुझ मिली है कि दुनिया के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट बड़े बड़े राजा महाराजा शादियों में गुलाम साबरी जो है बादशाहों की शादियों में पाकिस्तान की तरफ से गए पाकिस्तान का रिप्रेजेंट किया हाँ लोग पाकिस्तान कौन सा मुल्क है जहाँ साबरी पैदल रहते से हैं सेवेंटीज में पाकिस्तान से कवाली को वहां लेके गए इतनी बड़ी बात है कि आपको पहचान बन हमें तो अभी चांद पे जाना पड़ेगा चांद पे जाएंगे इनशाला अब लोग चांद पे पहुंच गए हाँ। अब हम क्यों बताएं कि हमने क्या तैयारी करी तैयारी तो हमने भी की हुई ना अच्छा कुछ बड़ी अच्छी पैराए में गुफ्तु हो रही है हम चाहते हैं कि कुछ जो आपने फरमायाबादी अदीब रायपुरी साहब भी बड़ा जबरदस्त अगर उ, उस कुछ महफिल का अहवाल अगर किसी एक को यादगार तौर पर मैं, मैं खानपुर में एक महफिल में मैं गया पहले मुझे याद आ गए खालिद महमूद साहब वाह उनके मुर्शिद खाने की महफिल में मैं गया वो एजाज़ नकवी साहब पी एजाज नकवी साहब मुझे लेके गए एक साल अमजद uh, साहब भी जाते थे साल में दो महफिल होती थी एक में मैं जाता खानपुर एक चांद के हिसाब से महफिल होती थी और एक अंग्रेजी तारीख से हम हर साल खानपुर जाते थे तो पूरे पंजाब से वहाँ मशाया आते थे और हम यहाँ कराची के लोग भी जाते थे तो उनका पीर खाना था खालिद महमूद साहब का तो उन्होंने मुझे वहां सुना पड़े तो सुना वो लोग बैठे तो जरा मुझे अच्छा वो वहां का पूरा जो दरबार का जो इन्वायरमेंट था सारा वो सरायकी सुनने वाले लोग थे मुझसे पहले जो पढ़ वो बड़ा अच्छा सरायकी की जो गायकी है ना वो बहुत मजे की है मीठी हाँ माँ एक सवाल पढ़ रहा माई पे वो ऐसा रुक रहा गले लग गए ओ तेरी दीद तदे बांदा हच गए कुछ आवे माही गले लग गए रचाया वो उसने माहौल अरे यार सुभान अल्लाह क्या बात है अब जब हम बैठे तो उन्हें फारसी और उर्दू सुनी जो हमारी शख्सियत के हिसाब से और हमारे जो कराची से गए हुए तो मैंने शुरू कर दिया दिल ठिकाना मेरे वजूर का है मैंने कहा यार फारसी छोड़ो खालिद मेहबू साहब का ही कलाम पढ़ते हैं वो तो उन्हें मुझे फिर प्यार आ गया उन्होंने दो तीन शेर मुझसे लगवाए महफिल का रंग बन गया तो ये भी टेक्निक होती है कि आपको महफिल में पढ़ना क्या है अब इस चीज ये जो बच्चा हुआ था ना मैं अगर इस बैग की भी जाता उस वक्त तो मैं अपना रंग खो बैठता वो। मैं उस रंग को घास पढ़ सकता था लेकिन मैंने उसको काटा मैंने दिल ठिकाना मेरे हजूर का है दाना दाना मेरे हजूर का है मैंने इसको आता हो जाए <laughs> <laughs> बहुत बड़ी जाएगा आपको सुना दे <laughs> मैंने उस पर गिरा एक लगाई थी दिल, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है अब ये तर्ज है खालिस्तान नाथ के अंदाज की है दिल अब मुझे ऐसे लेना पड़ा इसको मेरे का दिल कवाली में मुझे इसको एक पर दे अब मैं चीखूंगा तो आपका ब्लास्ट हो जाएगी आवाज इसलिए मैं इसको दबा के आवाज को सुर को इस्तेमाल कर रहा था तो ये, ये कवाली का एक तरीका कार है महफिल शनासी सबसे अहम चीज़ है कितनी अहम सबसे अहम अगर चले मैं आपसे सवाल करता हूँ सवाल फिर आपकी इस बात से ये बनता है कि अगर कोई कलाम का इंतखा करे पहले दर्ज का इंतखा करे पहले या टेम्पो का इंतखा करे पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो आप महफिल में मौजूद होना चाहिए जब आप महफिल में मौजूद होंगे ना आपकी रूह और आपकी शख्सियत ये सोच के बैठी कि मुझे इज्जत लेके यहाँ से उठनी है वो। फिर अल्लाह आपकी मदद करेगा वो। आपको वो रास्ता भी दिखाएगा आपको इज्जत भी दिलाएगा और आपको महफिल शनासी भी फौरन अल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा कि महफिल क्या चाहती है और जब हम जाते हैं ना पैसे के लिए देखो पैसा भी बहुत जरूरी चीज है इसलिए मैं बहुत सारे लेता हूँ पहले ले लेता हूँ कि महफिल में जाकर जेब की तरफ देखूंगी <laughs> <laughs> अच्छा चलो ये तो गया आपने अपने आप को मौजूद कर लिया ये तो बुनियादी चीज है ना ये तो बुनियादी चीज लोगों को चलो ये तो आपके मैसेज पहुंच गए इसके बाद अब क्या एक होता है ना कि मैं पहले से सोच के जा रहा हूँ आज मैं फिर में फिर मैं ये पढ़ रहा बस ये गलत है यह गहरा दाओ दाओ दूसरे पहलवान की जो दाओ होगा ना उसके हिसाब से लगेगा वो आप स हो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हो पहले से समझ लेंगे बैठूंगा तो ये पढ़ दूंगा नहीं ऐसी नहीं, महफिल में बैठ के अल्लाह से दुआ करके पढ़ना है अच्छा इसके अलावा कोई यादगार वाक्य किसी खान का हमारे का साथ हजारों हैं, हैं। एक अच्छा हर, मैं आपको एक बात बताऊ हर खान का हर महफिल का मिजाज अलग है वो ठीक है ना अब खान का का जो कलाम का तरीका होता है वो उसकी तरीके का होता है भाई इस कलाम से शुरू होना है उसके बाद आपको ये पढ़ना है फिर उसके बाद ये कलाम पढ़ना है फिर आपको तसवुफ के कलामों की तरफ आना है आपको वजह की बात बताऊ कवाली जो है ना सिर्फ आरफाना क़लामों का नाम है असल में नात मन कब शेख चाहते हैं कि आप यार का जिक्र करे अब जैसी मंजिल शेख की है ना वैसे वो कलाम सुनना चाहते हैं जैसे उनकी जो मंजिल चल रही होती है ना एक कलाम हमने पिछले साल सुनाया है उनको अब समझ में नहीं आ रहा या तो उनकी मंजिल कम हो गई या ज्यादा हो गई है <laughs> ऐसा है अब एक आवाज जो है ना पीर बनाने की मशीन होता है दो तरह से बनाता है एक तो बनाता है कलाम सुना के मंजिलें तय करा के एक होता है खुशामत करके वो उसको खुद भी खो देता है खुद भी खोया रहता है और उसको भी खो देता है एक एक सही सिमत होती है गलेम की तरफ चले जाते हैं अच्छा रंग पड़ा जाता है ये hmm. क्या होता है क्योंकि अक्सर कभी कहते हैं यार आज यहाँ पे रंग अभी पड़ा जाएगा बैठो बैठो रंग क्योंकि कवाली का नाम हजरत अमीर खुसरो ने चार सिमत बनाई कवाली के हवाले से चार पांच अंदाज से होती है कवाली मैंने आपको पहले ही बताया कि हर दरबार का हर खानका का एक अलग निज़ाम होता है लेकिन कॉन्टेक्ट वही है कॉल से शुरू होती है मन से और रंग पे होता है बहुत सारी महफिल शुरू होती है हम पढ़वाते नात पढ़ते फिर कौन सुनते ऐसा भी होता है कि पहले हम सुना दें फिर नात सुना दें फिर कौल सुना दे जहाँ कौल तवील होता है वहाँ ऐसा होता है कि भाई वो मन की तरफ चला जाता है हदीस मन गुंत माला जिसका मैं मोला उसको अली माला इसको अरे तमिल खुस्तो ने जो कॉल की कॉल में जो जो कैफियत है ना तन रबाब मन की गिरी ये है असल उसकी कैफियत इंसान अपने आप को पहचाने जितनी देर से हम कोशिश कर रहे हैं ना क्या जो आप खरीद रहे हैं बार बार वो है आप पहचानने की कोशिश के भाई कवाल है क्या असल चीज है कवाल अब उसमें वो अमजद हो सकता है अफजल हो सकता है जकी हो सकता है कोई वीद हो सकता है लेकिन असल चीज कवाल है यही ना तन रबाब मन की गिरी सो रगे बही सब तार तार इंसान का जिसम एक तारों वाला साज है रबाब जैसा तन रबाब मन की गिरी सो रगे बही सब तार तार रोम रोम सुर देवत है सो बाजत नाम तिहार मेरे रुए रुए से तेरी आवाज आती है बस मैं तुझे ही याद करता हूँ वो, तु, वो जो तुझे है ना वो है अल्लाह वो अल्लाह के सिवा कोई कोई रास्ता नहीं है तमाम तारीफे बाबू ये मतलब सारी जितनी भी आप देखें ना कि जितने तो ये दरअसल से मिला देगा तो अब कॉल पढ़ते ना भाई वो कॉल पढ़ते वक्त मन कुन तो बोला की तकरार होती है तो वो इसलिए होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई के हाथ को बुलंद करके कहा मन कुन तो मौला फारम मौला जिसका मैं मौला उसका अली मौला सुहार अली मौला मौला अली मौला बने सूफी जज्बात में बहने वाले वो अभी आप सूफी बनने वाले हैं हाँ आप बोले छुप आप को पता है इस वक्त जो है जो हमारे इस वक्त वजीर आजम है हाँ मैं अभी बशीर फारूक साहब का एक सुन रहा था वो कह रहे थे कि उनका कि उनका विजन ये है जितना वक्त इनको मिला है तो पाकिस्तान को, के डगर पे डाला मैं को जितने भी आर्टिस्ट थे जितने भी उस वक्त के लोग थे परवे मुशरफ का दौर आया उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो चेहरा बन रहा है वो बन रहा है दहशत गर्द उस टाइम पे दहशत गर्दी बहुत ज्यादा थी जरा भी आपसे पहले की बात बता रहा हूं आपको तो आप अफजल भाई हमने सबसे ना ये सवाल किया है इसका हल हाँ क्या है मैंने मेरे कह सए सूफियाज्म के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है आपको सीधा करने का आप मेरे ख्वाजा की बात करें ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या किया है वो बताएं अरबी ने क्या किया है वो बताएं ने, ने क्या किया है वो बताएं निज़ामुद्दीन का दस्तरखान कैसे होता है उनकी महफिल क्या होती है, है नुगा। नुगा। उनके बारे में बताएं कि जब बादशाह आता है तो वो दूसरे दरवाजे निकल जाते हैं mm. बादशाह से कोई ताल्लुक को नहीं है फकीर का mm. फकीर को फकीर के पास बादशाह को देखो तो समझ जाओ ये फकीर नहीं है हाँ ये तो बड़ी गहरी गे, बात ही है मुझसे किया उन्होंने लिखा लिख के इस्लामा ने ये कहा है, अफजल भाई कलाम निकालो सूफी के मैंने कलाम निकाला सुनाता हूँ अब मेरा दिल हो गया कैफियत आ गई मेरी छेजा है ये तीन शायरों का कलाम है पी नसीर, नसीर के दादा और उनके बालिद मुश्ताक लाला जी और रजाए वारसी और एक बुजुर्ग और जिनका मुझे कलाम मिला तो मैंने तीनों के शेर जमा करे हुए शेर तीन शेर सुनाता हूँ जरूरी है इंसान को ये मेहनत वजूद है मैं मुद्दा मैं सदा पामुदा है मैं नहीं हुई कोई दम की हवा है मैं नहीं हूं बना तर तर खुद ही मिट्टी की मूरत बना खुद है मिट्टी की मूरत वो खुद ही आभास है मैं नहीं हूँ न समझो कुछ तो सब कुछ मैं ही मैं, मैं हूँ अगर अपने आप को कुछ नहीं समझते ना तुम तो आपको फिर को पावर दिया जाएगा फिर वो आपको आपको सलाहियत दी जाएगी मैं समझो कुछ तो सब तो सम्झो कुछ, कुछ मैं ही मैं हूँ कुछ तो सब कुछ मैं हो, मैं अगर समझो खुदा है हर इंसान अपने आप को खुदा समझ रहा है मालिक समझ रहा है सिर्फ इस्तेमाल के लिए ये वक्त है हमारे पास जाना सबको यही हकीकत है वो मेरा हाँ हाँ एक शेर और है वो मेरा अहम बात वो मेरा समझ लो बात क्या है मैं सारी कहानी मैं की है हाँ झगड़ा मैं का है बकरी भी मैं करती है तो निकालो बड़ा अच्छा बहुत लंबा है बकरी मैं करने का नदाफ उसे ले गया उसकी आंतों को ले गया यार अल्लाह ताला ये क्या है वो तो हर चीज तू तो इसकी मैं तूने तर्क नहीं किया मुशायदा किया फकर बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं मैं ही मैं हूं जहां मैं दूसरा कोई नहीं जब ना मैं तर्क की पे, माए बे असबाब ने फेर दी जलकर छुटी गर्दन पे भी खसाब ने समय था जो जिसमें यार में कुछ बिगा कुछ फिगा कुछ लुट गया बाजार में रह गए आते फकत मैं में सुनाने के लिए ले गया लद्दाख उसे धुमकी बनाने के लिए अब होती नहीं है धमकी पहले रुई पीते थे पहले जो लद्दाख होते थे वो रुई वगैरह पीते थे तो उस पर बकरे की आतों से उसको धुमकी बनाते थे तो लद्दाख ने देखा कि भाई ये अभी भी क्या मेहमे कर रही है आते ले गया नद्दाख उसे धुमकी बनाने के लिए जब न मेहमे तर्की पे माए पे असबाब ने फेर दी

वाली जो शोबा है आप समझ रहे हैं कि ये इसमें लोगों में सुनने वालों में इजाफा हो रहा है या पढ़ने वालों में इजाफा हो रहा है या सुनने वालों में जो तो इजाफा हो रहा है पढ़ने वाले आप इस फील्ड में मैं ऐसा नहीं रह रहा देखिए जी मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ मैंने जितने भी जहा जहां पढ़ने जाता हूँ वहा जो कुछ ऐसे लोग होते हैं कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो जैसे आपका प्लेटफॉर्म है यहाँ से बात कर रहा हूँ तो कुछ हुकूमत के लोग कुछ अदब के हवाले से लोग शायर हजरा और पीर उजाम मशाइ ये सब अलग अलग हैं। लोग समझते हैं भाई ये चार पांच लोग एक कलर के कपड़े पहन के आए होते पीर है नहीं पीर अलग चीज है और उनके पैरोकार उनसे प्यार करने वाले उन जैसा बनना चाहते हैं उन जैसा लिबास पहन के आते हैं हर प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा कि कवाली की शक्ल बदली जा रही है बदल रही है तो मुझे मुझे कहना चाहिए कि हमारे डी साहब हैं ताह सलीम साहब सेंटर के उनसे मैंने गुजारिश की कि सर ये कवाले की शक्ल बदली जा रही है तो कह लेंगे अफ्दुल भाई इसका हल क्या है मैंने कहा इसका हल है साहिब समात जो है उनका 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 टेस्ट चेंज कर रहा है कवाल ही कर रहा है और खुद भी चेंज होते जा रहे हैं ख़ुदनबाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो कहें इसका हल क्या है मैंने कहा मुझे जगह चाहिए तो उन्होंने मुझे एक जगह दी है यही शार पाकिस्तान पे मरकज़ी इस्लामी है या अफजल पाकिस्तान की पहली अफजल साबरी सूफी म्यूज़िक म्यूज़िकडमी माशा उसको छः सात महीने हो चुके हैं तो वहाँ मैंने थोड़ा सा काम शुरू किया है उस पर मैं जैसे आप गुफ्तु करता हूँ तो ऐसे बुजुर्ग लोग दो, दो, दोस्त ऐसे हैं जो बात तो टी शर्ट और पैंट पहने हुए होते हैं लेकिन वो मसले मसल पढ़ा रहे हैं कहीं कहीं वो फारसी पढ़ा रहे हैं कहीं वो तस्वुफ के बारे में लेक्चर देते हैं बड़े नरम लोग होते हैं जो तरह अल्लाह के लिए काम करते हैं ना उससे मुश्किल होता है काम देना ना तो वो किसी पैसे से आते हैं ना वो किसी तरह से वो आपकी महफिल में आते हैं जी है। में आ गया तो बिल्कुल बिल्कुल तो अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैंने जिससे भी आवाज जिसको भी आवाज दी है और मुझे कहा कि मुझे रास्ता दिखाइए क्योंकि रास्ता मुझे मुझे सामने किया तो लोग मुझे जानते हैं कि भाई ये कवाली पढ़ते हैं तो मुझे सिखाइए मुझे समझाइए जो कमियां हैं वो बताइए है। तो वो उस इदारे में मैंने सोचा है सबसे पहला काम जो मैंने किया है ना वो ये है कि कवाली कैसी सुनना चाहिए कवाली सुनने के लिए भी देखिए एक बात होती है नोट के ऊपर वो कलाम अलग है एक होती है हानगा के अंदर वो कलाम अलग है हानगा में भी बहुत खास खुल्फा और बहुत करीबी लोग बैठे हुए जो कलाम पढ़ा जाता है वो कलाम अलग होते हैं अब मिसाल के तौर पर अब मैं वजूद तो रोड पे पढ़ना शुरू करूँ अभी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं अब तो भाई ये काबिले का जिक्र बहुत कारवाल कर देते हैं कुछ कुफरी जुमला जुमले ऐसे होते हैं जो वो कलाम में मौजूद होते हैं तो मसला क्या है भाई उसकी पहली को भी और से पाओ। वो बता रहे कर रहा हूँ अंधेरा है वो जाना यार है जो रास्ता दिखा रहा है तो इसकी तमीज जो है ना वो बिल्कुल दुष्ट फरमाए क्योंकि बिल्कुल जो जिसने आप तक ये मैसेज पहुंचाया वो तो जनरली सुन रहा है अब वो जब ये मानी सुनता है बल्कि अल्फाज सुनता है उसके मानी तक तो नहीं होती है मजा मज़े की बात है मजा उस कलाम में उसे मजा आ रहा होता है मज़ा तो आ रहा होता है लेकिन बाद में जाके कर तो होता है बाद में जाके फिर वो अच्छा <laughs> इश्क की बात जो है ना वो लामहदूद होती है <laughs> इश्क लामहदूद है अब इश्क वाले जो कलाम है ना वो आम लोगों के लिए है नहीं बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि एक तो रोड की महफिल है फिर इसके बाद खानजा खान जो खवास है हाँ। इसके भी आगे बढ़ जाए क्योंकि लोगों से उनके अकलों के मुताबिक बात करो कहा जाता है आप जाहिर बात है क्या जो खानका के यहाँ पे पढ़ने का जहां पे पीर साहब अगर हैं तो वो इल भी जानते होंगे अच्छा मजे की है एक कलाम बड़ा मशहूर हो गया अच्छा इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों दो जगह जगह में ना कवाली पाकिस्तान में है अच्छा वहां कवाली की सिर्फ में गाना गाया जाता है वो कवाली की स्टाइल के अंदर भजन गाया जाता है वो कवाली के स्टाइल में किसी भी देवता के बारे में भी बात कर देते हैं के कमाल मैंने सुना है देखा है और वो अच्छा वहां से जो चीज हिट हो जाती है जो चीज जिसको बहुत ज्यादा लाइक और कमेंट्स हो जाते हैं वो तो समझते हैं यार कलाम पढ़ा जाए अब एक कलाम आया और पाकिस्तान में सुपर हिट हो गया वो अच्छा मैं नहीं पढ़ता मुझे भी फरमाइश आ रही है वो कलाम का बोल है इल्ला की शराब ठीक है ना नजर से पिला गया पिला दिया अब मैंने कहा यार फरमाइश जा रही है अब मैं क्या करूँ अब मैंने सुना मैं तोहिद का एग्जाम नज़र से पिला दिया मैंने मिस्ता चेंज कर दिया तो वो बात को मुझे यही पता है ना कि आप जब पढ़ रहे हो तो इल भी आपके पास होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने किसी के लाइक्स देखे तो चलो भाई इसी पे

बात कही थी क्योंकि प्रोग्राम के फिर आपसे मैसेज भी मुझे लेना है आप बहुत सारे लोग आवाज बैठ जाती है मेरे ये क्लिप पे मैं इनशाला करके कर चलाऊंगा रबील का महीना भी है लोग नाते भी पढ़ेंगे और है। से हाँ। तो कोई ऐसी चीज जो अपने गले की हिफाजत के लिए क्योंकि तो आप सीखे सिखाए हैं बहुत से लोग सीखे सिखाए नहीं शायद है जो बुजुर्गों से सुनाया था कि मैं खुद मेरा जो मिजाज है वो नजले ही है मुझे नजला रहता है तो मैं थोड़ा सा एहतियात करता हूँ लेकिन हमारे खानदान वाले एहतियात नहीं करते थे ठंडा पानी पीते थे उसद बर्फ डाल के पीते थे लेकिन असल चीज है रियाज जो रोज चार पाँच घंटे सात घंटे अच्छा मिसाल के तौर पर जो जिसे थकन महसूस हो और जिसे कलाम पढ़ते हुए टाइम देखना याद रहे वो ये काम ना करे पहली बात तो तय वो नाद भी नहीं पढ़े खबाली भी नहीं पढ़े जिसको टाइम देख के फिर बैठ गया तो फिर तो तुम्हारा पैशन है ये इसको तो अच्छे से अच्छा करो तो जो थके वो ये काम नहीं करेगा अच्छा जिसका रियाज होता है ना ना तो उसका आवाज बैठता है आवाज बैठता है जागने से नींद ना पूरी होने से जो आज प्रोग्राम किया सुबह काम पे चला गया शाम को फिर प्रोग्राम काम करेगा तो भाई हम कोई और काम नहीं करते

यह पढ़ने की कोशिश ना करे घर के अंदर के पहले तान तोड़ने की जरूरत नहीं मेरी अम्मी कहती थी हाँ। ज्यादा तान नहीं तोड़ो आवाज बैठ जाएगी कल जाएंगी हाँ। उससे जैसे आप महफिल में जा रहे हो तो घर पर बहुत रियाज करने की कोशिश नहीं करना उस दिन पढ़ना ही नहीं है आपको महफिल में पढ़ना है तो वो कहता है ना कि आप जब नाद पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा आपको गले को गरमाना होता है आप गरमाने की बात नहीं है हजार रुपये आप साउंड वाले को देते हैं वो आपके बाद अच्छी कर देगा अच्छा मतलब ये कि ये तो सबसे आसान टिप बता दी वो साउंड वाले जो सुन रहे होंगे ना वो बड़े खुश होंगे तो आएंगे तो मुझे स... ये जिन्होंने बुलाया है वो मुझे चाहे कितने में पैसे से मुझे समझ दी मैंने आपको ये बात मजाक की जरूर है, है। लेकिन जो लोग साउंड पे डिपेंड कर रहे हैं ना वो कम वक्त के नात खाए साउंड पे डिपेंड ही तो कर रहे हैं असल में मेरे मकसद जी वो मजाक की बात थी लेकिन सीरियस बात है। इसका। इसका यह ही है कि वो साउंड पे कर है 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 आवाज जो नहीं इसका खुलासा कि हम मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि हमें इतने रियाज करना है चलो एक दिन पहले तो आप नहीं करेंगे लेकिन रियाज इतना मजबूत हो कि आपका जो तो तकिया वो साउंड पैदा हो मैंने तो आपको पूरा बता दिया क्या आप रियाज करें प्रोग्राम वाले दिन रियाज ना करें आपको पूरा सोना है जो पूरी करेगा उसकी आवाज़ बोलेगी उतना अच्छी नहीं बोलेगी वह तो भी बोलेगी अब जो है ना वो बहुत बड़ी अहम चीज है पढ़ने वाले की ठीक अच्छा मैं आज थोड़ा सा प्रोग्राम को डिफरेंट करता हूँ क्योंकि मैं इजाजत लेता हूँ आखिर में वो प्रोग्राम का टाइटल आ जाता है आज हम थोड़ा सा चेंज करते हैं मैं इजाजत लेता हूँ आपकी तरफ आता हूँ जो रंग पढ़ा जाता है मैं चाह रहा हूँ कुछ आप मैसेज भी दे दें और दे, रंग भी मे ठीक ठीक है राजे ने इस इस दुआ के साथ अल्लाह ताला में आसानी था फरमाए और आसानिया तकसीम करने का शर्फ अदाफरमाए अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा हमारे साथ अफजल साबरी मौजूद है मैं चाहता हूँ कि ये रंग जो है ये भी थोड़ा सा गुनगुना दे और अगर को पैगाम देना चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए आज बोर्ड स्टेशन है तो प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है और इसी पर हमारे इन शाली टाइटल देखिए जी सबसे पहले तो मैं आपका भी बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा आपने मुझे मूलू किया और ये भी वालदा का बहुत शुक्रिया जिन्हें अफजल जी को इस तरह उसकी तरबियत करी और उसको इस तरह का बनाया मेरे बुजुर्ग सारे मेरे उस मेरे उर्दू पढ़ाने वाले मेरे जितने भी लोग हैं मैं सबका शुक्र अदा करूँगा बेखसूस मेरे भाई हम छः भाई माशा छः के छः मेरे साथ ऐसे चिपके रहते हैं ये बस यही हमारा भाई जो है और बेखसूस सारे भाई मेरे हैं लेकिन मेरे साथ जो पड़ता है ग़ुला मुस्तफ़ा साबरी वो रंग पड़ता है वो बहुत हसीन अंदाज में उसकी आवाज़ अल्लाह ताली ने वो मैंने मांगा है कि मुझे कोई साथ क्योंकि तो मेरे उस्ताद आजी मकबूल साहब ने गुलाम फेदीर साहब भी दो आवाज़ें अब मेरे लिए अकेले पढ़ना बड़ा मुश्किल था वो तो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया मुझसे बहुत छोटा है लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बड़ा नवाजा है रही बात रंग की मैंने आपको बार बार बताया कि हर खान का एक, एक एक अंदाज है मिजाज है और इलाके वाइज भी रंग की चीजें कुछ चेंज हुई हैं लेकिन बेसिकली जो एक मिसरा जो है वो सब कुछ बयान करता है वो रंग का अभी आप लोगों ने सुना होगा अमजद भाई ने और राज फतेह साहब ने रंग पढ़ा अच्छा जी पंजाब ये अंदाज में जो रंग पढ़ते हैं वो री माँ कहते हैं अच्छा उर्दू स्पीकिंग जो कहते हैं ए माँ हम्म तो अब दोनों की इस पर गुफ्तु हुई स्टूडियो में कि भाई हम तो ए माँ पढ़ते हैं वो री कहते हैं तो डिसाइड हमजद भाई अमजद भाई आप जो है वो एमा ही पढ़े और रात फतेह अली रीमा ही पढ़े लेकिन उर्दू तो, अंदाज में रीमा ए तो, ए जो है ये जो है पुकारने का अंदाज है है ना जैसे कवाली के अंदर अरे गो कहते हैं हम लोग तो, वो भी लफ्ज नहीं होते है बहुत सारे कलाम में अरे गो इजाफी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जैसे पुकारने के अंदाज में तो मैं रंग का एक शेर आपको सुनाता वैसे तो मेरे साथ मेरा भाई पढ़ता है मुस्तफा रसूल के अब ये असल मकसद जो इसमें है इसमें छुपा हुआ है रैनी चढ़ी रसूल की सो रंग माला के हाथ आप ये इंटरव्यू कर सकते हैं आपने तमाम एतमाम फिर तमाम कर ली रंग लगाने वाली ज़्यादा की वो आप सजदा करने की तोहफी अल्लाह ने दी आपने झुका दी जबी वो। फिर वो मालिक या मर्जी है इसको किस तरह मतबर कर दे इस जबी को वो रोशनी अता फरमा दे के कबूल कर ले इसी तरह सारे अमाल जितने भी हमारे जिंदगी के आप अपने बच्चों के लिए रोजगार के लिए हर में फलसफा बिल्कुल आप एक हद तक ही कर सकते हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा मैं पढ़ सकता हूँ किसी से दाद नहीं ले सकता वो उनकी मर्जी पे है उनको अच्छा लगे या ना लगे दूसरे जार रंग डारी धन धन वा के इसे रंग दिया है वो तो उसके वो किस्मत वाला हो गया आज रंग है ए रंग है आज रंग है कतरा रही है आज रंग आज रंग ये महफिल के हिसाब से होती है यही है हवाली असल में कवाली तकरार है मिसरे दिस्टे की मिसर मिसरा आपके दिल पे जरब लगाए आज रंग आज रंग, रंग।, रंग है आज रंग आज रंग।, रंग, रंग हो मेरे महबूब के घर रंग है आज रंग अच्छा हजरत अली खुश रहो मेरे महबूब के घर रंग है उन्हें विशाल यार हुआ है आज उनकी जो सारी जिंदगी का सिस्टम है वो आज उनका सारा इम्तहान जो था वो उसको इनाम मिलेगा आज आज अल्लाह अपना दीदार अदा फरमाएगा जैसे कहता है अल्लाह मुख्तर आखिरी बात करूँगा कि करूंगा मेरे लिए उसकी जजा में खुद फकीर कब्र में उस जजा का इंतजार करता है, है कि आज दीदार होगा यार अल्लाह ये बहुत कह सकते हैं कि वही आपकी वाली बात है अगर जब मैं इजाज़त तो ले चुका हूँ लेकिन बात यह है कि जो आपने कही ना वो वही बात कि एक रोड पे पढ़ने वाला कलाम होता है एक खानका में जी। और जी। ये समझ जब तक नहीं होगी नहीं पढ़ना चाहिए तो नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि बात आप कुछ कहना चाहते हैं पैगाम कुछ और जा रहा होता है अब फिर उसके बाद दूसरा मामला होता तो तो है बहुत शुक्रिया जो मोबाइल है ना जी बड़ी खतरनाक चीज़ है वो खानका में भी पहुंच गया है कमरे में भी पहुँच गया है जो बात कमरे की है वो बाहर लोगों को दिखा रहा है और इसको क्या कहते हैं आजकल की न्यूज की जबान में नहीं लाइव लाइव पे चल रहा है तो कहते हैं इस वायरस न्यूज की जबान में कहते हैं कि ब्रेक आवाज में आ रहे, रहे, रहे हैं कुछ लोगों की खामोशी बातें जो है वो मीडिया में पेश की जा रही है तो बहुत शुक्रिया तो इजाज़त नाजिन से पहले ले चुके हैं असल वरहमल वर्क